नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ सुमन रावत। बात करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की, तो सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर बड़ा प्रहार किया है, कांग्रेस को देशद्रोही करार दिया है। बागपत में एक चुनावी सभा को संबोधित कर रहे थे सीएम योगी, इस मौके पर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है सीएम योगी ने। कांग्रेसियों को नक्सलियों ने किया हाईजैक, ये कहना है योगी आदित्यनाथ का, साथ ही देशद्रोही है कांग्रेस पार्टी। तो बागपत में कांग्रेस पर जमकर गरजे सीएम योगी। इसी खबर पर और जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ संवाददाता नीरज हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा हमला कांग्रेस पर बोला है, इसे किस तरह से देखते हैं आप? जी बिल्कुल, देखिए सुमन, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस हिसाब से लोकसभा 2019 का इलेक्शन चल रहा है और ऐसे में कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र जो उसमें जिस हिसाब से धारा 124 से हटाना हुआ हो या फिर 370 हटाना हुआ हो, ऐसे में बीजेपी हर एक मुमकिन कोशिश कर रही है कि उसको भुनाने की कोशिश कर रही है। सीएम योगी खास करके कांग्रेस पर हमलावर नजर आ रहे हैं। अब मेरठ में ये बयान उनका कि कांग्रेस पार्टी को नक्सलियों ने हाईजैक कर लिया है, इस बात की तस्दीक करता है कि बीजेपी बहुत मजबूत तरीके से विपक्ष पर वार कर रही है। सुमन, नीरज, जिस तरह से लगातार कहा जा रहा था कि सुरक्षा बलों या फिर राष्ट्रीय मुद्दों पर लगातार इसे मुद्दा ना बनाया जाए, लेकिन वहीं बीजेपी लगातार सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र कर रही है। वहीं कांग्रेस ने चुनावी घोषणा पत्र जारी किया, उसमें देशद्रोह कानून को खत्म करने की बात कही गई, इसे कितना सही मानते हैं? जी देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि मोदी सरकार ने जब से बालाकोट में एयर स्ट्राइक किया है उसके बाद से 2019 का इलेक्शन का जो पूरा नैरेटिव है वो चेंज हो गया है। रोजगार, किसानों का मुद्दा और बेरोजगारी, जितने भी तमाम मुद्दे हैं वो इस वक्त अक्षुण हो गए हैं, वो एक अलग हो गए हैं। बीजेपी इस वक्त पूरे राष्ट्रवाद के मुद्दे पर इस वक्त भुनाना चाहती है। बीजेपी ने पूरे इलेक्शन का नैरेटिव चेंज कर दिया है। बीजेपी इस वक्त राष्ट्रवाद के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाहती है और कांग्रेस पार्टी को कहीं ना कहीं ये मैसेज देना चाहती है, जनता के बीच में भी ये बात पहुंचाना चाहती है कि देखिए हम एक ऐसी पार्टी है जो राष्ट्र की चिंता करते हैं और कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो हमारे सेना पर सियासत करती है। और रही बात कांग्रेस के मैनिफेस्टो में, जिसमें उन्होंने देशद्रोह का जैसे उन्होंने प्रस्तावना लाने की कोशिश की, 370 हटाएंगे कांग्रेस और कश्मीर से सेना की संख्या को कम करेंगे और फिर वो 124A और आर्टिकल 35A, ये सारी चीजें बताती हैं कि कांग्रेस पार्टी की मानसिकता सेना के प्रति और जम्मू कश्मीर के जमहूरियत के प्रति लचीला है बीजेपी सरकार की अपेक्षा। सुमन, जी जी बिल्कुल, इस बार बीजेपी पूरी तरह से राष्ट्रवाद को मुद्दा बना रही है, ऐसे में कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली थी। तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो योगी आदित्यनाथ ने ये बड़ा हमला बागपत में कांग्रेस पर बोला है, देशद्रोही पार्टी को करार दिया है। फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए एबी स्टार न्यूज। नमस्कार।